ओके, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। एज पर अवर न्यू शेड्यूल, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को न्यू टाइमिंग्स के बारे में बोला था कि जो 3 to 4 हमारे जो क्लासेस चल रहे थे, तो टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज, बिफोर 1 आवर हम लोग क्लासेस, हमारा जो टाइम है तो वो बिफोर 1 आवर चल रहा है आज, बिकॉज ऑफ वुमेंस डे सेलिब्रेशन। हमारा क्लास हम लोग आज थोड़ा सा लेट हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अभी आज का फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए जो है, तो एक पेज नंबर 35 पे जो हम लोगों का टॉपिक है, तो पेज नंबर 35 वाला टॉपिक हम लोग आज का कंप्लीट करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, आप लोगों को जो क्लासेस के ग्रुप्स हैं आप लोगों के, तो वो क्लासेस के ग्रुप्स में आप लोगों को रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स आप लोगों को मैसेज मिल गया है सभी लोगों को कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं तो फिर वो कौन से डेट से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या प्रिपरेशंस आप लोगों को करने हैं फॉर एग्ज़ाम। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैसेज जो टाइम टू टाइम स्कूल की तरफ से आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस चलते रहते हैं, तो उसमें आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें पता चलती रहती है। अब 15 मार्च से आप लोगों की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, तो जो 15 मार्च से आप लोगों की एग्ज़ाम स्टार्ट होगी, तो वो एग्ज़ाम से पहले आप लोगों ने आर्ट एंड क्राफ्ट के, स्पेशली आर्टी चैम की बुक में आप लोगों ने जितने टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, तो मैं पिछले बहुत सारे क्लासेस में आप लोगों को ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लोगों का जितना भी वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोगों को बुक सबमिट करने हैं स्कूल में। और स्कूल में बुक इसलिए सबमिट करना है बिकॉज जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड आप लोगों का बनेगा, तो फाइनल रिपोर्ट कार्ड में जब आप लोगों के आर्ट एंड क्राफ्ट के मार्क्स जो ऐड होने वाले हैं, तो आप लोगों की आरटी चैम की बुक कितनी कंप्लीट है, कितना अच्छे से आप लोगों ने आपके टॉपिक्स को कंप्लीट किया हुआ है, तो उसके ऊपर आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे। इसीलिए आप लोगों को जल्दी से, मीन्स 15 से हमारी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, बिफोर 10 या फिर 10th मार्च तक अगर आप लोग सभी लोग स्कूल में अगर बुक्स आप लोग चेकिंग करवाने के लिए अगर सबमिट कर रहे हो, तो आप लोग के जो मार्क्स मिलने वाले हैं फाइनल रिपोर्ट कार्ड में, तो मेरे लिए भी इजी रहेगा आप लोग के मार्क्स वगैरह उसके अंदर ऐड करना, और आप लोगों के भी रिपोर्ट कार्ड के अंदर वो मार्क्स डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर बुक्स आप लोग सबमिट नहीं कर रहे हो, तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बिकॉज फिर बहुत सारे लोग लेट बुक्स सबमिट करते हैं, फिर वो रिपोर्ट कार्ड के लिए भी थोड़ा सा टाइम हम लोगों को एक्स्ट्रा लग सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हम लोगों को। आई नो आप सभी लोगों के बुक्स जैसे यहाँ पे क्लास में एक एक टॉपिक कंप्लीट करना चलता है, तो उसी टाइप से आप लोगों का भी घर पे आप लोग हर एक पेज कंप्लीट कर रहे हो। बहुत सारे लोग जब टॉपिक कंप्लीट करते हैं, तो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में उसका फ़ोटो लेके व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग पर्सनली भेजते हैं, तो उसी से मुझे पता चलता है कि आप लोगों का कंप्लीशन बहुत अच्छे से चल रहा है। कंप्लीशन इतना अच्छे से चल रहा है, आप लोगों को बुक्स भी सबमिट करना है ताकि वो चेक हो जाए, और आप लोगों के मार्क्स जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनेगा, तो उसके अंदर आपके मार्क्स डिस्प्ले हो सके। ओके, अभी बढ़ते हैं हम लोग हमारे टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है पेज नंबर 35 पे, कलरफुल फिश ड्राइंग विद डॉट्स। अब टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी है, इसीलिए ज़्यादा टाइम इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को लगने वाला नहीं है, बस समझने के लिए थोड़ा सा टाइम हम लोगों को लगेगा। आप लोग जब क्लास यहाँ पे आप लोग अटेंड कर रहे हो, तो वो टाइम पे बुक लेके अगर आप लोग बैठ रहे हो, तो पेज को समझ पाना और आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ओके, तो मैं आप लोगों को एक बार स्क्रीन पे पेज दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट कैसे करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद में हम लोग हमारा पेज स्टार्ट करते हैं। ये है आप लोगों का पेज नंबर 35। अब पेज नंबर 35 पे आप लोग देख पा रहे हो,
यहाँ पे ड्राइंग विद ग्रिड तो सॉरी ड्राइंग विद डॉट्स तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे डॉट्स मिले हैं और यहाँ पे एक फिश का शेप जो आउटलाइन में कंप्लीट किया हुआ है, कलर्ड लाइंस है, येलो रेड उसके बाद में वायलेट है। तो ये कलर के इंडिकेशंस है हमारे लिए कि हमें कहाँ पे कौन सा कलर फिलअप करना है। तो ये कलर्स कौन कौन से फिलअप करने हैं ये समझ पाना हमारे लिए इजी हो गया है ये कलर्ड लाइंस की वजह से। अभी जब आप लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो हमें ड्रॉ कैसे करना है और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन देखेंगे और उसके बाद टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं। अ पिक्चर ऑफ अ फिश इज शोन ऑन द लेफ्ट, ड्रॉ द पिक्चर इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन राइट बाय जॉइनिंग द डॉट्स, कलर द बोथ पिक्चर्स। अब हमें जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मिली हुई है तो इंस्ट्रक्शन के अंदर ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को बताई गई नहीं है, सिंपली सिर्फ इतना बताया गया है कि लेफ्ट साइड में हम लोगों को एक ड्राइंग यहाँ पे मिला हुआ है, राइट साइड में हम लोगों को जो स्पेस प्रोवाइड किया गया है उसके अंदर हम लोगों को वो सेम ड्राइंग हम लोगों को कंप्लीट करना है। एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये स्क्वायर छोटा है तो इसीलिए यहाँ पे जो ड्राइंग कंप्लीट हुआ है वो भी छोटा ही रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर हम लोगों को बड़ा दिया गया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा ड्राइंग एनलार्ज हो जाएगा। तो इतना कंप्लीट ड्राइंग दोनों कंप्लीट करने के बाद में हम लोगों को सिर्फ इस एक ड्राइंग को कलर नहीं करना है, हम लोगों को इसको भी जो कंप्लीटेड यहाँ पे ड्राइंग दिया हुआ है उसको भी कलर करना है और जो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं उसको भी कलर करना है। जब डॉट्स की हेल्प लेके जब हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोगों को यही एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो डॉट्स है तो यहाँ पे कितने डॉट्स एक लाइन में ज्वाइन हो रहे हैं और कौन सी रो में के वो डॉट्स है। तो अगर यहाँ पे 1, 2, 3 तीन डॉट्स अगर ज्वाइन हो रहे हैं और फर्स्ट डॉट फर्स्ट रो में से है, सेकंड डॉट सेकंड रो में से है और जो थर्ड डॉट है तो वो फोर्थ रो में से है, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ पे एक एक करके अभी डॉट्स को ज्वाइन करके जो ड्राइंग यहाँ पे हमें चाहिए तो वो ड्राइंग मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद हम लोग कलरिंग वाले पार्ट की तरफ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें दिखाया गया है फर्स्ट रो में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9th, तो 9th डॉट से फिश का जो फिन है साइड वाला तो वो स्टार्ट हो रहा है। तो काउंट करेंगे हम लोग फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब 9th डॉट से स्टार्ट होगा। अब 9th डॉट से स्टार्ट होने के बाद में फिर वो ज्वाइन कहाँ पे करता है, सेकेंड रो में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो सेकेंड रो में 6th नंबर के डॉट पे वो ज्वाइन करता है, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो हमें सिंपली ये लाइन यहाँ पे ज्वाइन कर देनी है। अब इसके बाद में जो थर्ड रो है तो थर्ड रो में ये लाइन कहीं पे भी ज्वाइन नहीं करती है, डायरेक्टली फोर्थ रो में थर्ड नंबर वाले थर्ड नंबर के डॉट पे ये लाइन ज्वाइन होती है। तो यहाँ से डॉट्स का काउंटिंग ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में एक और रो छोड़ के सेकेंड नंबर वाला डॉट, उसके बाद में ऐसे ही नीचे आएगी लाइन, यहाँ से ये लाइन आगे जाएगी पीछे वाले डॉट की तरफ, उसके बाद फिर से नेक्स्ट रो में, उसके बाद यहाँ पे ये लाइन आप लोग देख सकते हो 1, 2 एंड 3, तो वो तीन डॉट्स को कवर करती है, तो मैं तीन डॉट्स तक उसको लेके जा रहा हूँ। अब उसके बाद में जो लास्ट सेकेंड रो है तो उसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिफ्थ डॉट पे वो ज्वाइन करती है, 1, 2, 3, 4 एंड
5, मतलब यहाँ पे, तो ये लाइन यहाँ पे ज्वाइन हो रही है। ओके, अब यहाँ से ये जो फिफ्थ डॉट से ये जो लाइन निकलेगी, ये लाइन लास्ट वाली रो में लास्ट फोर्थ डॉट पे ज्वाइन करने वाली है, मतलब 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पे ज्वाइन करेगी। फिर से नीचे से जो थर्ड नंबर वाली रो है उसके सेकंड लास्ट डॉट पे ये लाइन ज्वाइन कर रही है। जब इसको कंप्लीट कर रहे हो वो टाइम पे थोड़ा काउंटिंग के साथ अगर आप लोग चलेंगे तो परफेक्ट ड्राइंग हो जाएगा और इजी रहेगा, डिफ़िकल्ट नहीं होगा आप लोगों के लिए। One, two, three, four, five.
ड्राइंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है हमारा, आप लोग देख सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि हमें काउंटिंग के हिसाब से चलना है, तो सेम उस काउंटिंग के हिसाब से ही हम लोगों ने यहाँ पे ड्राइंग को कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा जब आप लोग यहाँ पे आईज ये ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पे ये ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हो, ये लाइन और ये दो ट्रायंगल्स जब आप लोग ड्रॉ कर रहे हो, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए कन्फ्यूजिंग वो हो सकता है। बट अगर प्रॉपर यहाँ पे जो काउंटिंग आप लोग करोगे, तो प्रॉपर उसी काउंटिंग के साथ अगर आप लोग यहाँ पे भी कर रहे हो, तो ईजी रहेगा, कन्फ्यूजिंग नहीं होगा, और वो जितना परफेक्ट चाहिए तो वही हिसाब से वो ड्रॉ हो जाएगा। ओके, नाउ कलरिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को जो यहाँ पे इंडिकेशंस मिले हैं, तो हम लोग वो हिसाब से सबसे पहले यहाँ पे कलर कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फाइनल ड्राइंग में कलरिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले येलो, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट येलो कलर में ही है। और जैसे कि इंस्ट्रक्शन में हम लोगों को बोला गया है कि हमें दोनों ड्राइंग्स को कलर करना है, ऑरेंज रेड हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे कलरिंग कंप्लीट होने के बाद में जब जो एनलार्ज्ड ड्राइंग हमारा यहाँ पे बड़े साइज़ में ड्रॉ हुआ है, तो यहाँ पे कलरिंग करना हम लोगों को बहुत इजी रहेगा, बिकॉज रेफरेंस के लिए हम लोग इस पिक्चर को देख सकते हैं। तो सबसे पहले येलो,
जन रेड कलरिंग जब आप लोग कर रहे हो तो वो टाइम पे सबसे ज़्यादा ध्यान एक चीज़ का रखना है कि कलर जो है हमारा, जो हम लोगों ने जो शेप मार्क करके रखा है उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। कलरिंग यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है सारा। जैसा यहाँ पे कलरिंग मैंने बोला था तो सेम कलरिंग यहाँ पे भी हम लोगों को हो चुका है। ड्राइंग जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि काउंटिंग जो डॉट्स है तो वो डॉट्स को काउंटिंग के हिसाब से अगर हम लोग करेंगे तो ईजी रहेगा। यहाँ पर जो काउंटिंग हम लोग कर रहे हैं रो वाइज तो वही हिसाब से हम लोगों को इस साइड में भी चलना है। तो अगर ऐसे अगर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं तो बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा, कंफ्यूजिंग नहीं होगा कहीं पे भी आप लोगों के लिए। और जैसा यहाँ पे हम लोगों को एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है तो परफेक्ट सेम एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पे कॉपी कर पाएंगे। अगर काउंटिंग के हिसाब से आप लोग नहीं चल रहे हो तो एक भी डॉट अगर इधर उधर हो गया तो पूरा ड्राइंग मतलब पूरा रॉन्ग हो सकता है। तो इसीलिए जब भी डॉट्स के साथ या फिर बॉक्सेस के साथ जब भी या फिर ग्रिड्स के साथ हम लोग जब भी कुछ ड्रॉ करते हैं तो वो टाइम पे सबसे ज़्यादा ध्यान यही रखना पड़ता है कि प्रॉपर काउंटिंग होनी चाहिए कि कौन सी रो में कौन से नंबर के डॉट से उस ड्राइंग का कौन सा पार्ट स्टार्ट हो रहा है या फिर एंड कहाँ पे हो रहा है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। आई होप टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया है। फिर भी अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाके आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं फिर मैं वो यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करके दे सकता हूँ। उसी के साथ एक चीज़ और, क्लास स्टार्ट करते टाइम मैंने जो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दी थी कि एटलीस्ट 10th मार्च तक आप लोगों को आपके बुक्स सबमिट करने हैं स्कूल में चेकिंग करवाने के लिए, बिकॉज 15th मार्च से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड एनुअल एग्ज़ाम्स है आप लोगों के, जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनेगा तो फाइनल रिपोर्ट कार्ड में आप लोग बाकी के सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके मार्क्स तो आपके रिपोर्ट कार्ड में डिस्प्ले होने ही वाले हैं, बट ड्राइंग के मार्क्स आपके रिपोर्ट कार्ड में अगर आपकी बुक स्कूल में सबमिट करके आप लोग अगर चेक करवा रहे हो तो ही फाइनल रिपोर्ट कार्ड में आपके मार्क्स डिस्प्ले हो पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को, याद रख के आप लोगों को बिफोर 10th मार्च बुक स्कूल में सबमिट करवानी है चेकिंग करने के लिए। उसी के साथ हम लोग आज का हमारा क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। फॉर स्टैंडर्ड सेकेंड बिफोर वी स्टार्ट अवर क्लास, आज
बिकॉज ऑफ वुमेंस डे सेलिब्रेशन हम लोगों का क्लास आज थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है। हमारा आज का जो पेज है पेज नंबर 33, बिफोर वी स्टार्ट अवर पेज सम इंस्ट्रक्शंस। प्रीवियस कुछ क्लासेस में मैं आप लोगों को बुक सबमिट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। आप लोग के 15th मार्च से आप लोग के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो बिफोर एग्ज़ाम बिफोर 10th मार्च या फिर 10th मार्च तक अगर आप लोग स्कूल में बुक्स जो RTCM के हमारे बुक्स है कंप्लीट करके आप लोगों को बुक सबमिट करने हैं स्कूल में, क्योंकि जो चेकिंग बहुत सारे लोगों का बुक्स का चेकिंग बाकी है, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आप लोग बुक सबमिट नहीं कर पाए हैं, फिर भी इस बार आप लोगों को एटलीस्ट 10th मार्च तक आप लोगों को आपके बुक सबमिट करना है स्कूल में चेकिंग करवाने के लिए, क्योंकि ये आप लोगों का एनुअल एग्ज़ाम है और आफ्टर एनुअल एग्ज़ाम आप लोगों का जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा तो वो रिपोर्ट कार्ड में स्पेशली ड्राइंग के जो मार्क्स है, तो अगर आप लोगों के बुक्स अगर चेक्ड नहीं है तो फाइनल रिपोर्ट कार्ड में आप लोगों के मार्क्स डिस्प्ले होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेट सबमिट नहीं करवाना है आप लोगों को, अगर आप लोग लेट सबमिट करवा रहे हो तो आप लोगों को बुक्स फिर वापस भी थोड़ा सा लेट ही मिल सकते हो, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फटाफट कंप्लीट करके 10th मार्च तक आप लोग अपने बुक स्कूल में सबमिट करवा आप लोगों को करवाने हैं। फटाफट आप लोगों को बुक स्कूल में से चेकिंग करके मिल जाएंगे, बिकॉज मार्क्स आप लोगों के उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो याद रखना है आप लोगों को ध्यान से अपने बुक्स स्कूल में सबमिट करवाने हैं। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर पेज, पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 पर हम लोगों के लिए टाइटल है ब्रिंजल लर्न टू ड्रॉ। अब आज का जो टॉपिक है, तो आज के टॉपिक में कलरिंग उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आज के टॉपिक में हम लोगों को ड्राइंग के बारे में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें बताई है। अब ब्रिंजल हमारे क्लास में ऐसा कोई नहीं है जिसको ब्रिंजल पता नहीं है, ब्रिंजल सभी लोगों को पता है। उसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे बहुत प्राइमरी लेवल पे हम लोगों को ब्रिंजल को कैसे ड्रॉ किया जाता है ये बताया गया है। जब भी आप लोग क्लास अटेंड करते हो, क्लास अटेंड करते टाइम अगर आप लोग आपकी बुक सामने लेके अगर बैठ रहे हो तो पर्टिकुलर उस टॉपिक को समझ पाना आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज विजुअल्स बड़े होते हैं हमारे सामने और क्लियर होता है सारा। तो इंस्ट्रक्शन हमारे लिए यहाँ पे, फॉलो द स्टेप्स टू ड्रॉ अ ब्रिंजल, ऑल्सो फिल कलर्स इन इट। अब यहाँ पे हम लोगों को ड्राइंग स्टेप बाय स्टेप बताई गई है और साथ ही कलर भी यहाँ पे दिया हुआ है। शायद वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे ये कलर थोड़ा सा रोज़ पिंक के जैसा दिख सकता है, बट रोज़ पिंक नहीं है, लाइट वायलेट कलर है, जो कि वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा कलर में चेंज आप लोगों को दिख सकता है, बट वो ये लाइट वायलेट कलर ही है, रोज पिंक कलर नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को स्टेप वन में एक सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल को दो डॉटेड लाइन से चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद में स्टेप टू, स्टेप टू में अब ये ऊपर वाला हिस्सा डॉटेड लाइन में ड्रॉ करके दिया हुआ है। उसके बाद में स्टेप नंबर थ्री में उसको कंप्लीट कर लिया गया है यहाँ पे। देन नंबर फोर जो लास्ट एंड फाइनल स्टेप है, तो वहाँ पे डायरेक्टली कलर करके दिया हुआ है। तो हमें इसी स्टेप्स के हिसाब से जाना है, यहाँ पे हमें चार चीज़ें ड्रॉ नहीं करनी है, जो स्पेस हम लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो हमें यहाँ पे एक ही फाइनल जो ड्राइंग यहाँ पे दिया हुआ है, तो फाइनल ड्राइंग हम लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करना है, बट स्टेप बाय स्टेप जाना है, एक एक स्टेप अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे सर्कल ड्रॉ होगा, सर्कल ड्रॉ होने के बाद में ये जो दो लाइंस यहाँ पे दिख रहे हैं ये लाइंस ड्रॉ होंगे, उसके बाद में फिर ये ऊपर वाला जो ग्रीन हिस्सा रहेगा ये ग्रीन हिस्सा ड्रॉ होगा। अब इसका ऊपर वाला जो टॉप है, तो ये टॉप सेकंड स्टेप में इनकम्प्लीट रखा गया है, जो थर्ड स्टेप में कम्प्लीट होगा, एंड लास्ट फाइनल स्टेप में वहाँ पर कलरिंग कम्प्लीट हो जाएगी। जब आप लोग इसको कलरिंग कम्प्लीट कर रहे हो वो टाइम पर आप लोगों को एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये जो डॉटेड लाइंस आप लोग पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो यहाँ पे, तो
पूरा ड्राइंग फेयर होने के बाद जिन लाइंस का काम नहीं है, फॉर एग्जांपल अब ये डॉटेड लाइन है, ये एक डॉटेड लाइन है, ये दोनों लाइंस का काम नहीं है जब हम लोग कलरिंग करने वाले हैं, तो वो टाइम पे इन लाइंस को आप लोगों को इरेज कर देना है इरेजर से और उसके बाद ही कलरिंग स्टार्ट करनी है। अगर आप लोग ये लाइंस को इरेज नहीं करोगे और डायरेक्टली कलर से यहाँ पे अप्लाई करोगे तो हो सकता है जो पेंसिल के लाइंस है कलरिंग कंप्लीट करने के बाद भी ये लाइंस दिखेंगे। यहाँ पे फाइनल जो ड्राइंग कलर्ड यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है तो उसमें ऐसे लाइंस दिख नहीं रहे हैं बिकॉज इसको जब कलर किया गया तो ये लाइंस इरेज कर दिए गए हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों को स्टेप्स जो दिए गए हैं तो यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे सर्कल छोटे दिए गए हैं, हमें स्पेस ज़्यादा है और एक ही ड्राइंग हम लोगों को कंप्लीट करना है, तो इसीलिए अगर आप लोग थोड़ा सा बड़े साइज़ में अगर ड्रॉ करेंगे तो वो और अच्छा दिखेगा। सर्कल ड्रॉ जब आप लोग कर रहे हो तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए जो कंपास बॉक्स में जो इक्विपमेंट्स होते हैं तो उसमें से अगर आप लोग कुछ यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल चॉप होता है सर्कल ड्रॉ करने के लिए, उसको अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों का सर्कल और परफेक्ट आएगा। हाथ से, सिर्फ हाथ से ही सर्कल उतना परफेक्ट ड्रॉ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो प्रॉपर सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को जो कंपास बॉक्स में जो इक्विपमेंट्स मिलते हैं ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्री बॉक्स के, तो वो ज्योमेट्री बॉक्स वाले इक्विपमेंट्स अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो प्रॉपर ड्रॉ होगा सर्कल, मिस्टेक्स नहीं होंगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये। अब यहाँ पे दो डॉटेड लाइंस दिए हैं, अब मैं डॉटेड लाइंस नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू ड्रॉ करूँगा इस लाइन को लेकिन बहुत लाइट। अब जो ग्रीन पार्ट ऊपर वाला, अब मैं जो फर्स्ट स्टेप मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ तो फर्स्ट स्टेप में मैं लाइंस को बहुत लाइटली ड्रॉ कर रहा हूँ, तो हो सकता है उतने लाइट लाइंस आप लोगों को आपके स्क्रीन पे उतने क्लियर ना दिखे, बाद में मैं जब पूरे ड्राइंग को फेयर करूँगा तो वो टाइम पे आप लोगों को सारे लाइंस क्लियरली दिखेंगे। ओके, अभी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो रफ जितने भी लाइंस हैं वो सारे के सारे दिख रहे हैं। अभी मैं पूरे ड्राइंग को एक बार अच्छे से फेयर कर लेता हूँ, उसके बाद में हम लोग कलरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ड्राइंग फेयर यहाँ पे हमारा हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। सेम ऐसा ही अभी हम लोग डायरेक्टली कलर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं। इजी टॉपिक है आप लोगों का आज का, बहुत कम टाइम में कंप्लीट होने वाला टॉपिक है। सबसे पहले लाइट ग्रीन,
यहाँ पे लाइट वॉयलेट, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि यहाँ पे रोज पिंक नहीं है, यहाँ पे लाइट वॉयलेट कलर है। मैं सबसे पहले जो आउटलाइन है वहाँ पे कलर फिलअप कर लेता हूँ, ताकि जब मैं स्ट्रोक्स लगाऊंगा कलर्स के तो वो बाहर नहीं जाएंगे। फिर आप लोग स्कूल में जब बुक सबमिट करने वाले हो तो आपके बुक पे प्रॉपर आपका नाम, क्लास, सेक्शन, ये चीज़ें लिखी हुई है या नहीं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बिकॉज लिस्ट में जब आपके मार्क्स नोट डाउन होंगे तो आपके बुक पे से ही आपका नाम, क्लास एंड सेक्शन कॉपी किया जाएगा। तो प्रॉपर आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए बुक पे, क्लास मेंशन किया हुआ होना चाहिए, उसी के साथ में सेक्शन भी, ग्रीन, ब्लू, रेड, आप जो सेक्शन में हो वो सेक्शन भी वहाँ पे मेंशन करना है। आप लोग देख सकते हो बहुत कम टाइम में और इजीली यहाँ पे टॉपिक हमारा कंप्लीट हो रहा है। जहाँ पे कलर अच्छे से नहीं आया है वहाँ पे फिर से एक बार अगर थोड़ा सा आप लोग कलर फिलअप कर लेंगे, वाइट स्पेस ज़्यादा नहीं छूटेगा, बहुत अच्छे से यहाँ पे कलर हो जाएगा। ओके, तो कलरिंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग देख सकते हो पेज पे जैसे हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ था सेम वैसे ही यहाँ पे कलरिंग हमारी कंप्लीट हुई है। आप लोगों को एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब आप लोग अपनी बुक में टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे हो वो टाइम पे जितना अच्छा नीट एंड क्लीन आप लोग उसको कंप्लीट करोगे उतने मार्क्स आप लोगों को अच्छे मिलने वाले हैं। और बिफोर टेंथ या फिर 10th मार्च तक आप लोगों को आपके बुक्स स्कूल में सबमिट करवाने हैं चेकिंग करने के लिए, क्योंकि जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड है तो उसमें आप लोगों के आर्ट एंड क्राफ्ट के मार्क्स डिस्प्ले होंगे बिकॉज ऑफ दिस बुक। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके फटाफट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई होप यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, सर कौन सा फूल है? तो टॉपिक्स जब स्टार्ट यहाँ पे हम लोगों ने किया था तो टॉपिक को स्टार्ट करते टाइम ही मैंने टाइटल आप लोगों को यहाँ पे पढ़ के बताया था कि इट इज़ नॉट फ्लावर, इट इज़ ब्रिंजल, मीन्स क्या बोलते हैं उसको आप लोग, वांग मराठी में, तो इट इज़ दैट। वो हिंदी में क्या बोलेंगे, बैंगन। तो ये बैंगन है, फ्लावर नहीं है। कंप्लीट आप लोगों को करना है और जल्दी से बुक्स को सबमिट करना है स्कूल में 10th मार्च तक। तो आज के लिए बस इतना ही। Thank you.